नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप VIVO Y100A मोबाइल में किस तरीके से ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप लॉक सेट करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके सेटिंग में ही सेटिंग दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ऐप्स को लॉक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग ऐप्स को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है और एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक पासवर्ड आपको सेट करना है अपने ऐप लॉक के लिए, उसके बाद फिर से वही पासवर्ड डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए और सिक्योरिटी आंसर में आप कुछ भी डाल करके यहाँ पर डन पर क्लिक कर दीजिए। बस आपको याद रखना है कि जब भी आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आपसे सिक्योरिटी आंसर ही पूछा जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है ऐप इंक्रिप्शन, तो आपको क्या करना है, ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी ऐप्स हैं, जिसको भी लॉक करना चाहते हो उसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद जिस भी ऐप्स को यहाँ से इनेबल करोगे वो लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों, ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐप लॉक टाइम, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड वाले नंबर पर सेलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपका ऐप लॉक जो है वो सेट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने क्रोम को लॉक किया था, तो क्रोम को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए लॉक मांग रहा है और क्रोम को जैसे हम लॉक दे देंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका जो क्रोम है वो ओपन हो जाएगा।